हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ठोस में दोष के बारे में पढ़ा था। ठोस में दोष के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर पहला दोष लिया था। दो प्रकार के दोष थे, बिंदु दोष और इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो सबसे पहला मैंने जो दोष लिया था वो लिया था बिंदु दोष। बिंदु दोष के अंतर्गत तीन प्रकार के दोष थे, स्टाइकोमिति दोष, अशुद्धि दोष और तीसरा था नॉन स्टाइकोमिति दोष। तो सबसे पहले हमने लिया था स्टाइकियोमिति दोष। स्टाइकियोमिति दोष के अंतर्गत हमने दो दोष पढ़े थे, एक तो पढ़ा था रिक्तिका दोष और दूसरा पढ़ा था अंतरकाशी दोष। बच्चों, आज रिक्तिका और अंतरकाशी दोष है मुख्यतः अनायनिक क्रिस्टलों में, नॉन आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनमें आयन नहीं होते हैं। अब आयनिक क्रिस्टल होते हैं जैसे NaCl ले लिया, KBr ले लिया, KCl ले लिया। NaCl आयनिक क्रिस्टल है, आपको पता है, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव। तो वो आयनिक क्रिस्टल में भी दोष पाए जाते हैं। तो आयनिक क्रिस्टलों में मुख्यतः दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये दोनों दोष हैं वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। तो आयनिक क्रिस्टल में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष को अपन विस्थापन दोष भी कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? विस्थापन दोष भी कहते हैं, फ्रेंकल दोष। और दूसरा जो दोष है उसको बोलते हैं शॉटकी दोष, शॉटकी डिफेक्ट। तो आयनिक क्रिस्टलों में दो प्रकार के दोष होते हैं। पहला दोष कौन सा है? फ्रेंकल दोष, और दूसरा है शॉटकी दोष। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रेंकल दोष। तो बच्चों, फ्रेंकल दोष कहते किसे? आपके सामने यहां पे मैंने एक आयनिक क्रिस्टल बना दिया। बच्चों ध्यान रखना, ये आयनिक क्रिस्टल है जो आदर्श आयनिक क्रिस्टल है। आदर्श आयनिक क्रिस्टल मैंने बना दिया जहां पे ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। अब यहां पे क्या हुआ, फ्रेंकल दोष के अंतर्गत ऐसा दोष, फ्रेंकल दोष की परिभाषा, ऐसा दोष जिसमें से कोई आयन अपना स्थान छोड़कर, अब आयन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाश में आ जाए। जैसे ए पॉजिटिव था, इस आयन ने अपना स्थान छोड़ दिया, यहां से स्थान छोड़कर अंतरकाश खाली जगह में आ गया, तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं फ्रेंकल दोष। कौन सा दोष कहते हैं? फ्रेंकल दोष। तो मुख्यतः अब आपने, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ए पॉजिटिव को यहां पे क्यों ला रहे हो, बी नेगेटिव को क्यों नहीं ला रहे हो? तो फ्रेंकल दोष मुख्यतः धन आयनों में पाया जाता है, क्योंकि धनायन का आकार ऋण आयनों की तुलना में छोटा होता है। धनायनों का आकार ऋण आयनों की तुलना में छोटा होता है, और अंतरकाश की जगह भी क्या होती है बेटा? छोटी होती है। तो फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? ध्यान रखना कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाश में जगह ग्रहण कर ले, स्थान ग्रहण कर ले, यहां से स्थान छोड़कर अंतरकाश में आ गया, कहीं पे भी अंतरकाश में जगह ग्रहण कर लेगा, तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। अब बताओ, फ्रेंकल दोष है किस प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है? ये भी आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है शॉटकी दोष, और ये भी आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो फ्रेंकल दोष उस प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन, बच्चों सुनना, जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अत्यधिक अंतर हो या उनकी त्रिज्या में अंतर अधिक हो। फ्रेंकल दोष किसमें पाया जाता है? जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर अधिक हो, उसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तो फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल जालक के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि क्या हुआ है कि ए पॉजिटिव यहां से हटा है और यहां पर आया है, मतलब जितने ए पॉजिटिव थे उतने के उतने बी नेगेटिव हैं। मतलब दोष से पहले और दोष के बाद धनायन और ऋणायन की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है, खाली आयन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाश में आ गया है, तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष किसमें पाया जाता है? ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिसके धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर अत्यधिक हो। फ्रेंकल दोष कौन से आयन के कारण होता है? मुख्यतः धनायन के कारण होता है। किसके कारण होता है? धनायन के कारण। अब फ्रेंकल दोष के उदाहरण मैंने लिखा है जिंक सल्फाइड ZnS, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, और लास्ट में मैंने लिखा है AgBr, और इसके ऊपर मैंने गोला बनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है AgBr। बच्चों ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसके अंदर फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो आप उत्तर लिखोगे AgBr, इसके अंदर भी फ्रेंकल दोष, AgBr के अंदर फ्रेंकल दोष भी होता है और AgBr के अंदर शॉर्ट की दोष भी होता है। तो फ्रेंकल दोष के मैंने उदाहरण बताया और फ्रेंकल दोष की मैंने परिभाषा बताई, आपको समझ में आ गई होगी।
दूसरा दोष है शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट किसे कहते हैं? ऐसे आयनिक क्रिस्टल, बच्चों ध्यान रखना, ये यहां पे आदर्श आयनिक क्रिस्टल है जहां पे कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सब समान है। अब शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं, सुनना अच्छे से, ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिसमें समान संख्या में धनायन ऋणायन अनुपस्थित हो। अगर एक धनायन जाएगा तो एक ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाएगा। समान संख्या में धनायन व ऋणायन अनुपस्थित हो तो इस प्रकार के दोष को हम शॉर्ट की दोष कहते हैं। एक धनायन गया तो एक दूसरा जाएगा ऋणायन। तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के दोष को कौन सा दोष कहते हैं? शॉर्ट की दोष। ये धनायन ऋणायन है, क्रिस्टल चालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं शॉर्ट की दोष। अब शॉर्ट की दोष है बच्चों किस में पाया जाता है? NaCl में। किस में पाया जाता है? KCl में। किस में पाया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड में, CgM क्लोराइड में, और साथ में मैंने लिखा है AgBr। मतलब AgBr है वो दोनों में कॉमन है। फ्रेंकल दोष, AgBr में फ्रेंकल दोष भी होता है, AgBr में शॉर्ट की दोष भी होता है। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसके अंदर फ्रेंकल दोष भी होता है और शॉर्ट की दोष भी होता है, तो आप लिखोगे AgBr। अब बच्चों शॉर्ट की दोष है कौन से आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है? जैसे मैंने फ्रेंकल दोष कौन से आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है उसकी परिभाषा बताई थी कि ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनकी धनायन और ऋणायन के आकार में अत्यधिक अंतर हो उसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। शॉर्ट की दोष किसमें पाया जाता है? ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान हो, लगभग क्या हो? समान हो, उनकी त्रिज्या में अत्यधिक अंतर नहीं हो, उसमें शॉर्ट की दोष पाया जाता है। बोर्ड के अंदर फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष में तीन अंतर पूछे जाते हैं। पहला अंतर आप परिभाषा से देना है, आपको डायग्राम से और परिभाषा से देना है। दूसरा अंतर देना है फ्रेंकल दोष के कारण, बच्चों ध्यान रखना घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही था, लेकिन शॉर्ट की दोष के कारण घनत्व कम हो जाता है क्योंकि आयन है स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तीसरा अंतर फ्रेंकल दोष कौन से आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है? जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अत्यधिक अंतर हो, धनायन और ऋणायन के आकार में अत्यधिक अंतर हो। और शॉर्ट की दोष किसमें पाया जाता है? जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान हो। अब इनके उदाहरण मैंने बताया, उदाहरण को अच्छे से आपको पढ़ना। तो बच्चों अभी हमने जो पढ़ा था वो फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष के बारे में पढ़ा था। फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है। अभी जो दूसरा जो दोष लेने वाले हैं हम, वो है अशुद्धि दोष। स्टाइकोमिति का अपन जो बिंदु दोष का जो दूसरा पोर्शन है वो है अशुद्धि दोष। कौन सा दोष है? अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष किसे कहते हैं? जब किसी एक आयनिक क्रिस्टल के अंदर, सुनना बच्चों अच्छे से, जब किसी एक आयनिक क्रिस्टल के अंदर दूसरे आयनिक क्रिस्टल की अशुद्धि मिलाई जाए। एक आयनिक क्रिस्टल था उसके अंदर दूसरे आयनिक क्रिस्टल की अशुद्धि मिलाई, जैसे NaCl का ये क्रिस्टल था, NaCl का ये क्रिस्टल है, इसके अंदर मैंने किसकी अशुद्धि मिलाई? SrCl2 की अशुद्धि मिलाई। NaCl भी आयनिक है और SrCl2 भी क्या है बेटा? आयनिक है। बच्चों ध्यान रखना, एक आयनिक क्रिस्टल के अंतर्गत दूसरे आयनिक क्रिस्टल की अशुद्धि मिलाई जाए तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। मतलब NaCl का क्रिस्टल था उसके अंदर मैंने SrCl2 की अशुद्धि मिलाई तो इस प्रकार के दोष को कौन सा दोष कहते हैं? अशुद्धि दोष। अब इस दोष से होता क्या है, अर्थात इसमें कौन से आयनिक क्रिस्टल के अंदर कौन से आयनिक क्रिस्टल की अशुद्धि मिलाई जाती है? तो सुनना, बोर्ड के अंदर का डेफिनेशन पूछे कि अशुद्धि दोष की डेफिनेशन लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? अर्थात जब एक निम्न संयोजी धनायनिक क्रिस्टल, आप यहां पर देख रहे हो NaCl में Na के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस वन है। अब निम्न संयोजी का मतलब Na के ऊपर प्लस वन है। अब Na के ऊपर प्लस वन है उसके अंदर मैंने उच्च संयोजी SR है, SR के ऊपर कौन सा चार्ज है? +2। निम्न संयोजी धनायनिक क्रिस्टल के अंतर्गत उच्च संयोजी धनायनिक क्रिस्टल की अशुद्धि मिलाई जाए। जब निम्न संयोजी धनायनिक क्रिस्टल के अंतर्गत उच्च संयोजी धनायनिक क्रिस्टल मिलाया जाए तो उत्पन्न दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जब निम्न संयोजी धनायन, जब Na तो था निम्न संयोजी धनायन था, उसके अंदर उच्च संयोजी धनायन की अशुद्धि मिलाई जाए तो इस प्रकार के दोष को अपन क्या कहते हैं? अशुद्धि दोष। अब ये दोष होता कैसे? आपने देखा होगा यहां पे NaCl का मैंने एक क्रिस्टल बनाया, बच्चों NaCl का क्रिस्टल बनाया। अब NaCl के अंदर मैंने SrCl2 की अशुद्धि मिला दी,
तो बच्चों एक चीज बताना कि एनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस वन चार्ज होता है, और एसआर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस टू चार्ज होता है। तो यहां पे सीएल सीएल के ऊपर तो माइनस माइनस चार्ज ही होगा, सीएल नेगेटिव सीएल नेगेटिव, लेकिन यहां पे एनए की जगह कौन आ जाएगा, इस आयनिक क्रिस्टल के अंदर एनए की जगह कौन आ जाएगा, एनए की जगह एसआर टू प्लस आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एसआर टू प्लस। लेकिन बच्चों मेरे को एक चीज बताओ कि कितने एनए गायब होंगे, क्योंकि एसआर के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस टू चार्ज है, और एनए के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस वन चार्ज है। तो दो एनए गायब होंगे, दो एनए की जगह बच्चों एक एसआर टू प्लस आएगा, क्योंकि दो एनए गायब क्यों हुए, क्योंकि एनए के ऊपर प्लस वन चार्ज है और एसआर के ऊपर प्लस टू चार्ज है, तो एसआर टू प्लस आ गया। अब एक एनए की स्थान खाली रह जाएगी, एक एनए की स्थान क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी, तो पास का आयन है, पास का कोई भी आयन यहां पे गति करेगा, पास का आयन यहां पे जगह खाली हो गई, तो आपको पता है कि क्रिस्टल जालक में जगह खाली होगी, तो पास का आयन यहां पे क्या करेंगे, गति करेंगे, और गति करने पर इस क्रिस्टल जालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। जब ये पास के आयन है यहां पे गति करेंगे तो क्रिस्टल जालक की विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। विद्युत चालकता बढ़ने के प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग। तो डोपिंग की परिभाषा क्या है, जब किसी आयनिक ठोस के अंदर, बच्चों ध्यान रखना, जब किसी आयनिक ठोस के अंदर अन्य आयनिक ठोस की अशुद्धि मिलाई जाए, अशुद्धि मिलाकर विद्युत चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया को, अशुद्धि मिलाई जाए तो विद्युत चालकता बढ़ती है, यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। बच्चों बताओ विद्युत चालकता क्यों बढ़ी, क्योंकि जब दो एनए गायब हो गए, दो एनए की जगह एक एसआर टू प्लस आ गया, तो एक एनए की जगह खाली रह गई, एक एनए की जगह खाली रह गई, तो पास का आयन है इसके अंदर गति करेंगे, पास के आयन गति करेंगे, आयन जब गति करेंगे आपको पता है चालकता क्या होती है, आयन का गति करना या इलेक्ट्रॉन का गति करना, तो पास के आयन जब गति करेंगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है, विद्युत चालकता बढ़ती है। तो बच्चों आपको अशुद्धि दोष समझ में आ गया होगा कि अशुद्धि दोष किसे कहते हैं, अशुद्धि दोष क्या कहेंगे, जब एक निम्न संयोजी धनायन के अंदर, धनायनिक क्रिस्टल के अंदर, निम्न संयोजी धनायनिक क्रिस्टल कौन था, NaCl, NaCl के अंदर किसकी अशुद्धि मिलाई, SrCl2 की अशुद्धि मिलाई, तो उत्पन्न दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। इस दोष के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, इस दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो बच्चों आज जो हमने लिया वो कौन कौन से दोष लिए, फ्रेंकल दोष लिया, शॉर्ट की दोष लिया, और तीसरा लिया अशुद्धि दोष। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।